हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस वी हैव डिड सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द यू नो सेम फ्रॉम यूनिट 5 ओनली। एंड यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन ऑन द स्लाइड यू कैन सी The contents are evolution of industrial relations. So we have covered up this, you know, topic in evolution of industrial relations, industrial disputes. We did in last session, and now we are talking about industrial relations machinery in India. So what are the machineries used in to maintain the industrial relations? We'll see here, and some of the part we have covered in last session, and now further we'll study, right? सो ये जो भी आपके स्क्रीन पर सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को तो आप इजीली यूट्यूब पे जाएंगे, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे, आपको सारे सेशंस दिख जाएंगे, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं कॉन्टेंट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को जो भी वीडियोज देखते हैं उनको लाइक करिए। एंड आपको जो भी लाइक कहना हो, अगर लगता है कि अच्छा पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए भी आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव यू नो मिलेंगे तो मैं उससे यू नो और मोटिवेटेड होंगी। अगर आपको लगता है कहीं पर लैग कर रही हूँ, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट्स जो मैं लेकर के आती हूँ उनमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें लैक है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। ऑलराइट, सो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था। सो हम उस स्लाइड पर पहुंच रहे हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है। आज आज का हमारा सेशन होगा, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरीज इन इंडिया की बात कर रहे थे। क्या मशीनरीज यूज़ होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। लास्ट सेशन में हमने बात किया था, क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट देख लिया था, अब थ्योरी में हम यू नो टॉपिक वाइज जाएंगे, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मशीनरीज क्या क्या हैं और किस तरह से उनका यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सो स्कीम्स यू नो देखेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। लास्ट सेशन में मैंने बात किया था कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियांस प्रोसीजर, ट्राइपार्टाइट बॉडीज, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो इनको हमने मैंने यू नो शॉर्ट एंड स्पेसिफिक वे में ब्रीफ किया हुआ था, लेकिन आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो पहला टॉपिक देखेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। सो विल स्टार्ट हियर। इट इज अ मेथड वेयर बाय द वर्कर्स आर अलाउड टू बी कंसल्टेड एंड टू हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट। द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन आर वर्क्स कमिटी, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, शॉप काउंसिल एंड ज्वाइंट काउंसिल्स। सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या देखा हमने, क्या क्या किन किन चीज़ों का, क्या क्या चीज़ें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रहता है। द यू नो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आपको क्या क्या देखने को मिला, दैट इट इज मैथड वेयर बाय द वर्कर्स आर अलाउड टू बी कंसल्टेड एंड टू हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को भी अलाउ कर दिया गया है मैनेजमेंट के अंदर कि वो अपने व्यूज को, अपने थॉट को, अपने ग्रीवियंसेस को, अपने सजेशंस को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। अगर सपोज कोई कोई पॉलिसी बना रहे हैं या फिर कोई प्लान बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान है, जिससे कि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स काम करेंगे तभी आउटपुट निकल के आएगा आपको, राइट, इंडस्ट्री में। सो उनके काम करने से करने तक की बात तो ठीक है, पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन जब जनरेशन वाइज जनरेशन आपने देखा कि चीज़ें कहाँ पर गैप हो रही हैं, कम्युनिकेशन का लैक है, कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, वर्कर्स ही बताएंगे, वो क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन जगह पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू नो क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो अगर वो अपने सजेशंस, अपने सुझाव ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो व्हाई नॉट, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक दैट, यू नो दैट सजेशन।
अगर वो सजेशंस लेते हैं उनके, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव करेंगे इन्वायरमेंट को, कल्चर को, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, तो कहीं ना कहीं वो बेटर परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इंटरनली अगर अच्छे से वो काम करते हैं, आउटपुट अच्छा निकल के आता है, तो एक्सटर्नली भी वो ग्रो करेंगे, राइट। सो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो हर एक लेवल की बात होती है, नॉट नॉट लाइक कि जो मैनेजर्स हैं उनके उनके सबऑर्डिनेट ही पार्टिसिपेट करें, या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं लेबर्स उनकी ही बात कर रहे हैं। नो, सबकी बात करें। ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की है, उस हायरार्की में हर एक को अपनी बात कहने का पूरा हक है। और कहीं पर अगर उनको लगता है कि हम सजेशन जो हमारे सजेशन को आपको लगता है कि कहीं ठोस ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है जो बतानी चाहिए, जो शेयर करनी चाहिए, जो डिस्कस करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी बात अगर अच्छी लगती है, सजेशंस अच्छे लगते हैं, आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, तो आपकी बात को ऑर्गेनाइजेशन रखता भी है। तो इस तरह से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। द इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन आर, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वर्कर्स पार्टिसिपेशन के? द स्कीम्स आर वर्क्स कमिटी। पहला तो वर्क्स कमिटी के फॉर्म में आप देखेंगे किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मैनेजमेंट के अंदर वर्क्स कमिटी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उनका पार्टिसिपेशन होता है, उनका हस्तक्षेप भी होता है। अगर कहीं पर ऐसे ग्रीवियांस अराइज होते हैं या कोई भी अदर चीज डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वर्क्स कमिटी हैंडल करती है, वर्क्स कमिटी डील करती है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी होते हैं, एंड शॉप काउंसिल एंड ज्वाइंट काउंसिल्स भी होते हैं, राइट। सो दीज आर द पार्टिसिपेशन, मैनेज वर्कर्स पार्टिस थ्रू दिस वे, थ्रू दिस प्रोसेसेस नो वर्कर्स पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं पे लगता है कि कोई लैक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वर्क करूंगी। मैं आपके लिए अलग सा सेशन क्रिएट करके लेके आऊंगी, अनदर सेशन बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो भी बता सकते हैं आप, राइट। दूसरा देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच असेंशियल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिंड बाय अ बार्गेनिंग प्रोसेस अंडरटेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन द वन हैंड एंड ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयर्स ऑन द अदर। इट इज नॉट ओनली इंक्लूड्स निगोशिएशन, administration and enforcement of the written contracts between the employees and the employers, but also include the process of resolving, just a second, process of resolving labor management conflict. So समझेंगे collective bargaining के अंदर क्या होता है, क्या process है, किस तरह से इसको follow किया जाता है। According to daily order, daily order के according क्या है collective bargaining, उनके शब्दों में देखेंगे। Collective bargaining is a term used to describe a situation in which essential conditions of employment are determined by a bargaining process undertaken by representatives of a group of workers on the one hand and of one or more employers on the अदर हैंड। सो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, इम्प्लॉयर्स एंड इम्प्लॉयज का ग्रुप होता है, इम्प्लॉयर्स होते हैं, इम्प्लॉयज की ग्रुप होते हैं, तो उनका जो कलेक्टिव बार एक कलेक्ट करके, मतलब एक तरह से वो एक दूसरे से मिल करके, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि कलेक्ट कलेक्ट हो जाना, मतलब कि इकट्ठा होकर के बार्गेन करना, ठीक है। वर्कर्स अपनी डिमांड को रखेंगे, एम्प्लॉयर अपनी बात को रखेंगे, कहाँ पर किस किस लेवल तक उनकी बात मानी जानी चाहिए, वर्कर्स की बात किस हद तक मान सकता है ऑर्गेनाइजेशन, मान सकते हैं, या फिर किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए इम्प्लॉयज़ को। सो ये सारी चीज़ों पे बात होती है, ठीक है। उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको वो कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि एक एक तरफ एम्प्लॉयर्स, तो दूसरी तरफ इम्प्लॉयज़ होते हैं जो कलेक्टिवली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बातचीत करके, बात से, कम्युनिकेशन से, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट ओनली इंक्लूड्स निगोशिएशन
एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द इम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स, बट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट. सो क्या कह रहे हैं कि जब वो इकट्ठा होते हैं बातचीत करने के लिए, कलेक्टिवली बार्गेन करने के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशन की ही बात नहीं होती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं होती है, या फिर इन्फोर्समेंट की बात नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर जब वो इकट्ठा होते हैं तो इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉयज मिल करके चीज़ों को, लाइक जो प्रॉब्लम है, जो प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो मैनेजमेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने की बात करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉयज इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात नहीं होती है, या फिर सिर्फ निगोशिएशन नहीं किया जाता किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, या फिर किस किस तरह का इन्फोर्समेंट नहीं लेकर आया जाता है, बल्कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट में के अंदर जो लेबर्स को, लेबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, या फिर मैनेजमेंट की वजह से जो लेबर्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं उन पे बात करते हैं, उनको सॉल्व करने की बात की जाती है. राइट, तो यहाँ पर एक आप किसी एक पर्टिकुलर थीम को पॉइंट ना करके, यहाँ पे दे आर मेनी थिंग विच आर डील इन कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीवियंस प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर है ग्रीवियंस का, हम देखेंगे. ग्रीवियंसेस आर सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द एंटरप्राइज, सो दे शुड बी हैंडल्ड वेरी प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली. सो कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीवियंस का प्रोसीजर क्या हो गया. पहली बात तो आप ग्रीवियंस से समझेंगे कि ग्रीवियंस होता क्या है. ग्रीवियंस एक शिकायत होती है. राइट, ग्रीवियंस वो होता है जैसे कि कोई भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ ग्रुप, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन से, मैनेजमेंट से, मैनेजर से, तो वो उस चीज़ को बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व होना, इस चीज़ का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अगर एंटरप्राइज के अंदर किसी तरह का ग्रीवियंस अराइज होता है या फिर दिखाई देता है, तो सो दे शुड बी हैंडल्ड वेरी प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली. तो उन ग्रीवियंसेस को बहुत ही प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली हैंडल किया जाना चाहिए, उनमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, उनको तत्पश्चात, यू कैन से इन शुद्ध यू नो वर्ड इन हिंदी वर्ड, कि तत्पश्चात आपको उस चीज़ का निवारण करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, प्रॉम्प्टली एफिशिएंटली उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि उस पर डिले करें कि ठीक है आज है कल ठीक हो जाएगा. तो इस तरह से आप उसको, यू कांट टेक दैट ग्रांटेड, यू नो, आपको उसको प्रॉम्प्टली वर्क करना चाहिए एज अ मैनेजमेंट. कोपिंग विद ग्रीवियंसेस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैनेजर्स जॉब. द मैनर इन विच ही डील्स विद ग्रीवियंसेस डिटरमाइंस हिज एफिशियंसी इन डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स. अ मैनेजर इज सक्सेसफुल इफ ही इज एबल टू बिल्ड अ टीम ऑफ सेटिस्फाइड वर्कर्स बाय रिमूविंग देयर ग्रीवियंसेस. सो कहते हैं कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है, एक एफिशियंट या फिर इफेक्टिव मैनेजर, या फिर यू कैन से कि सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जो कि अपने टीम मेंबर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे, या फिर उनके ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करे और एक अच्छी टीम बनाए. दैट इज देन यू कैन कॉल दैट मैनेजर इज इफेक्टिव, एफिशियंट एंड सक्सेसफुल. राइट, क्योंकि अगर कोई पर्सन है अपने टीम को ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, उनके डिस्प्यूट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवियंसेस को ही नहीं समझ पा रहा है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो किस बात का अच्छा मैनेजर है. राइट, सो इसका मतलब उसको डील करने नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो इनएफिशियंट है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. राइट, दिस वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगे, उनको आप प्रिवेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. राइट, सो अगर इनिशियल लेवल पे ही अगर आप प्रॉम्प्टली तत्पश्चात कोई निर्णय लेते हैं, अगर किसी भी तरह का यू नो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द टीम, देन एज अ मैनेजर यू विल हैव टू नो एक्ट, यू हैव टू रिएक्ट प्रॉम्प्टली ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट, और उस ग्रीवियंस को हटाते हुए, उनको कम करते हुए, मिनिमाइज करते हुए, या फिर यू कैन से उसको बिल्कुल सॉल्व करते हुए आप एक अच्छी टीम अगर बनाते हैं, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड दैट यू आर इफेक्टिव मैनेजर और इफेक्टिव यू नो प्रोडक्टिव पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो इस तरह से क्या होता है कि ग्रीवियंस जैसे ही आपका यू नो ग्रीवियंस अराइज नहीं होते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इंडस्ट्री के जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं, उनसे बचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करता है और एक प्रॉपर वे में ग्रो भी करता है. राइट, सो दिस इज दिस यू नो ग्रीवियंस प्रोसेस, दिस इज द ग्रीवियंस प्रोसीजर.
सो हमने क्या क्या पढ़ा इस सेशन में, दैट वी स्टडीड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड थर्ड ग्रीवियंस प्रोसीजर। तीन और हैं, क्या क्या मशीनरीज यूज होती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, जिनमें से छः मशीनरीज यूज होती हैं, जिनमें से हमने तीन को कवर अप कर लिया। तीन को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो ऑन माई कमिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।